दोस्तों आज व्लॉग की वीडियो तो आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों मैं आज व्लॉग शूट नहीं करूंगा डायरेक्ट। दोस्तों आज मैं एक बहुत दिनों के बाद लैंडस्केप वाली पेंटिंग बनाऊंगा जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आप लोगों में से काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो है लैंडस्केप वाली पेंटिंग काफ़ी बनाते होंगे। मैं दोस्तों हमेशा ज़्यादातर पोर्ट्रेट पेंटिंग ही बनाता हूँ, तो इस बार दोस्तों मैं लैंडस्केप वाली पेंटिंग बनाऊंगा बहुत दिनों के बाद। पहले मैं बनाया करता था बट अब दोस्तों आज मैं एक नया पेंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि लैंडस्केप की होगी। तो देखते हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आप लोग को उतना खास समझ में नहीं आएगा और काफ़ी दिनों से आप पेंटिंग कर रहे हैं तो आप लोग को ये आइडिया मालूम होगा जो भी दोस्तों लैंडस्केप में पेंटिंग बनती है वो किस टाइप से बनती है। कहने का मतलब पहले लेयर बाय लेयर मैं पेंट करूंगा दोस्तों, पहले डार्क टोन दूंगा, उससे लाइट, फिर उससे लाइट, इस तरह से करके दोस्तों मैं पेंटिंग को कंप्लीट करूंगा। तो एक्रेलिक पेंटिंग ही दोस्तों मैं बनाऊंगा क्योंकि दोस्तों वाटर कलर तो मुझे आता ही नहीं, और वैसे दोस्तों मैं अगर कोशिश करूंगा तो भी हो जाएगा। वैसे दोस्तों इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं आर्टिस्ट ऑयल पेंटिंग पेपर का यूज़ कर रहा हूँ जो कि ब्रूस्टो ब्रांड का है, आप देख सकते हैं। और ये पेपर दोस्तों मैंने काफ़ी दिन पहले ही खरीद रखा था और इस पर मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स भी बना रखी हैं और ये 3-4 पेज बचे हुए हैं इस पर। और ये दोस्तों A4 साइज़ की पेपर है और इससे बड़ा साइज भी आता है जो कि A3 साइज़ का होता है। A3 साइज़ से बड़ा दोस्तों मैंने परचेज़ नहीं किया है इसलिए दोस्तों मैं नहीं बता सकता, जब खरीदूंगा दोस्तों आप लोग को जरूर दिखाऊंगा। तो चलिए इससे एक पेपर निकालते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपल दोस्तों ये पेपर जो है बहुत ही अच्छा होता है ऑयल पेंटिंग के लिए स्पेशली, बट दोस्तों मैं इस पर एक्रेलिक आज यूज़ करके देखता हूँ। कहने का मतलब मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं इसमें पेपर जो है खुरदुरा टाइप का है, आपको जो इसमें ग्रेन्स है दोस्तों वो एकदम पतला पतला ग्रेन्स है तो पेंटिंग इसमें शानदार बनेगी। पहले दोस्तों मैं इस पर किनारे किनारे टेप डालूंगा, उसके बाद दोस्तों पेंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आगे देखिए, और पेंटिंग दोस्तों आपको पसंद आएगी तो जरूर लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये पेंटिंग कैसा लगा, और मैं बहुत दिनों के बाद ये पेंटिंग बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।